वार्ड नंबर 13 खादिम मोहल्ले के अंदर में जहाँ सकड़ी गलियाँ हैं उस जगह पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, मगर उसके अंदर में एक जनहानि होने से हम लोग बच गए हैं। हमारे वार्ड के अंदर में एक जनहानि नहीं हुई है, मगर नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं ये अभी तक सो रहे हैं। जब तक कि इन्हों को 3 महीने हो गए हैं और बारिश का टाइम चल रहा है, इन्हों को हमने सूचना दे रखी है और लिखित में हमने शिकायत भी दे रखी है कि हमारे वार्ड के अंदर में जो मकान 100 साल से पुराने या जो मकान जर्जर अवस्था में है उनको नोटिस दिया जाए या उसके ऊपर पर कार्रवाई की जाए, मगर नगर निगम के कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। रात के अंदर की ये घटना है, रात में 12 बजे करीब एक मकान की सूचना मुझे मिली कि वार्ड के अंदर में मकान ढह गया है, तो मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद में मैंने नगर निगम के सारे कर्मचारियों को अवगत कराया, मगर नगर निगम के कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं आए, ना कि उन्होंने इसमें सुध ली। बोले भाई साहब कोई मौत तो नहीं हुई, मतलब ये इंतज़ार कर रहे थे कि मौत होनी चाहिए, मगर इन्होंने बात करने के बाद में इसमें से कोई एक कर्मचारी हमारे पास नहीं आया, ना कोई अधिकारी हमसे आके मिला। मौके पर हमने दरगाह थाना को सूचना दी जिसमें से पुलिस कांस्टेबल वगैरह हमारे पास में मौजूद हुए, मगर एक जनहानि से बच गए। सकड़ी गलियाँ थी और पहले कोई रहता था या कोई विवाद वाला मकान नहीं? नहीं, विवाद वाला मकान नहीं था, कई टाइम से ये मकान बंद था और पहले टाइम पे किराएदार रहते थे, अब ये मकान जर्जर अवस्था में था जो कि बंद है अभी। वार्ड 13 से पार्षद शाकिर शाह।